दुनिया के कुछ देशों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आया है। ये नया वेरिएंट काफी खतरनाक हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस की इस नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया है। WHO ने इस वेरिएंट को बेहद तेजी से फैलने वाला और चिंताजनक बताया है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट इतना खतरनाक है कि इससे दोनों टीका लगवा चुके व्यक्ति भी संक्रमित होने का पता चला है। WHO को इस वेरिएंट के मामले की जानकारी 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से मिली थी। इसके अलावा बेल्जियम और इजराइल से भी इस वेरिएंट की पहचान हुई है। इस वेरिएंट के सामने आने के बाद दुनिया के कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने की खबर से दुनिया भर के शेयर बाजारों में एकाएक तेजी से गिरावट दर्ज की गई। वहीं WHO ने अपने एक बड़े बयान में कहा, यह वेरिएंट काफी तेजी से म्यूट हो रहा है और इनमें कुछ म्यूटेशन चिंता के विषय भी हैं। उनके अनुसार इस म्यूटेशन का पहला ज्ञात संक्रमण 9 नवंबर को नमूने के तौर पर मिला था। हालांकि उन्होंने कहा, नए वेरिएंट का प्रभाव समझने में अभी कुछ सप्ताह लगेंगे। यदि वेरिएंट तेजी से फैलता है तो यूरोप से लेकर एशिया तक आने में बहुत कम समय लगेगा। वहीं कोरोना वायरस का नया वेरिएंट की पहचान के बाद इस बात को लेकर चिंता भी जताई जा रही है कि इसकी म्यूटेशन की संख्या को देखते हुए यह तेजी से फैल सकता है या फिर पहले किस संक्रमणीय वैक्सीन से बने एंटीबॉडी को नाकाम कर सकता है। वहीं अमेरिका के मेडिकल रिसर्च वैज्ञानिक का कहना है कि अभी पक्का नहीं है कि नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की जगह ले पाएगा या नहीं, लेकिन नया वेरिएंट वैक्सीन की ओर से टारगेट किए जाने वाले हिस्से में 30 से अधिक म्यूटेशन करता है। दक्षिण अफ्रीका में नए संक्रमण की रफ्तार में इसका बड़ा हाथ है। इस वेरिएंट से पैदा होने वाली बीमारियों और उनकी संक्रमण क्षमता का पता लगाने में देर लगेगी। अभी यही पता नहीं कि यह वेरिएंट कहां तक फैल चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या COVID-19 का वैक्सीन इस वेरिएंट पर कारगर साबित होगा? दुनिया भर में कोविड वैक्सीन के 8 अरब से ज्यादा डोज लग चुके हैं। क्या कोरोना वायरस से पहले संक्रमित हुए लोग ओमिक्रॉन से बच पाएंगे या फिर ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के पहले की प्रजातियों से ज्यादा या कम खतरनाक साबित होगा? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।